चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। पृथ्वीराज चौहान मां भारती का वह वीर पुत्र है जिसने अंतिम सांस में अपने शत्रु मोहम्मद गोरी को अपने शब्द पैदी बाण से मौत के घाट उतार दिया था। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल एवं पराक्रम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दिल्ली और अजमेर दोनों जगह पर शासन संभाला। पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा भी कहा जाता था। उन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में अपने पराक्रम से 17 बार पराजित किया था और हर बार युद्ध में हारने के बाद भी उसके प्राण नहीं लिए। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूरा देवी था। पृथ्वीराज चौहान बाल्यावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि एवं शास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की कला बाल्यावस्था से ही जानते थे जो कि अविस्मरणीय था। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया था जिससे वे किसी की भी आहार सुनकर लक्ष्य पर निशाना लगा सकते थे। उनका निशाना अचूक था लेकिन मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया और उनके पिता के बाद उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने अपने युद्ध कौशल एवं पराक्रम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके बचपन के मित्र का नाम चंद्रबाई था। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरा देवी अपने पिता की अकेली संतान थी, अतः कर्पूरा देवी के पिता ने अपने जामाता को बेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उनके बाद राज्य को पृथ्वीराज चौहान संभालेंगे। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता ने यह सहर्ष भी स्वीकार कर लिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज्य मिल गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैन्य अभियानों से अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया। इससे कई शासकों को पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या होने लगी। इन शासकों में राजा जयचंद्र भी थे। उनकी पुत्री का नाम सहयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और सैन्य अभियानों के समाचार सहयोगिता को मिलते रहते थे। कहते हैं पृथ्वीराज और सहयोगिता के एक दूसरे में मिले बिना सिर्फ एक दूसरे के चित्त देखकर प्रेम हो गया था। महाराजा जयचंद्र पृथ्वीराज से ईर्ष्या रखते थे। जब उन्होंने अपनी पुत्री सहयोगिता का स्वयंवर रचाया तो पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को द्वार पर द्वारपाल की जगह रख दिया था। सहयोगिता ने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही अपना वर चुन लिया और पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता को उनके स्वयंवर भवन से ही सभी राजाओं के सामने अपने राज्य ले गए थे। किसी राजा में उन्हें रोकने का साहस नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा सहयोगिता को ले जाने से महाराजा जयचंद्र क्रोधित थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों के बीच युद्ध हुआ। इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले उसने पंजाब पर चढ़ाई की। पृथ्वीराज की सेनाओं ने गोरी को आगे बढ़ने नहीं दिया लेकिन बुजदिल अफगानी सेनाएं रात्रि में आक्रमण कर देती थी जब पृथ्वीराज की सेना घायलों के उपचार में लगी रहती थी। मोहम्मद गोरी ने रात में आक्रमण किया जिससे हमारी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। दोनों सेनाओं की भिड़ंत तराई नामक जगह पर हो गई। राजपूतों के पराक्रम से मोहम्मद गोरी की सेनाओं को पीछे हटा दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष दया की याचना की और पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद भी मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का यह क्रम चलता रहा और पृथ्वीराज उसे क्षमा पर क्षमा करते रहे। जब मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर अफगान ले गया। वहां उसने मानवता की सारी हदें पार करते हुए पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लोहे के क्रम से लाकर डाल दी। इससे बड़ा दुष्कृष्ट और कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वीराज जब बंदीगृह में थे उस समय उनके मित्र चंद्रबदाई भी वहां पर मौजूद थे। चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज चौहान को अपने और अपनी संस्कृति के अपमानों का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। दोनों ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार चंद्रबदाई ने मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की कला का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। मोहम्मद गोरी को यह सुनकर हंसी आई। वह यह सोचने लगा कि एक अंधा व्यक्ति कैसे धनुष बाण चलाकर लक्ष्य को भेद सकता है। साथ ही चंद्रबदाई ने मुख से पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा सुनना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने चंद्रबदाई को कहा कि यदि पृथ्वीराज चौहान लक्ष्य पर निशाना लगाने में असफल रहा तो दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मोहम्मद गोरी ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहां पृथ्वीराज चौहान और अपने शब्द भेदी बाण की कला का प्रदर्शन करना था। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज एक राजा है,
राजा को केवल राजा ही आज्ञा दे सकता है, अतः आप ही पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का हुक्म दीजिए। जब मोहम्मद गोई ने पृथ्वीराज चौहान को 3 बार बाण चलाने को कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने उसकी आवाज पर बाण साधकर उसका ही अंत कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रप्रदाई ने मोहम्मद गोरी की जहां पर बेटा हुआ था उसकी स्थिति बताई, जिसके आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की आवाज की दिशा में बाण चलाकर गोरी का अंत कर दिया। उस वक्त चंद्रप्रदाई ने मोहम्मद गोरी की स्थिति बताने के लिए कुछ पंक्तियां कही थी जो आज भी प्रसिद्ध है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तथा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके सैनिकों द्वारा अपनी दुर्गति होने से बचाने के लिए पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाई ने भी अपने जीवन का अंत कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनकर सहयोगिता ने अपने जीवन का अंत कर दिया और इस तरह एक महान योद्धा, देशभक्त एवं महान व्यक्तिवत पृथ्वीराज चौहान के जीवन का अंत हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल मिस्ट्री स्टिच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।